अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं इस टेक्निक के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 555 लिखा है, यहाँ पे मैं 666 लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी ये सभी के सभी आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे फिर मैं 999 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेम और फिर डिपार्टमेंट ये जो भी है इसका आ जाएगा, इसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हमने कैसे किया इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, चैनल पे नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसको हमने क्या किया है, इसमें हमने वेलकम का फॉर्मूला लगाया है और फिर इसको हमने फाइंड किया। तो चलिए हम शुरू से बताते हैं इसको। आप लोग एक्सेल को खोल लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट को बना लीजिएगा, देख लीजिए इस फॉर्मेट को तैयार कर लीजिएगा सेम इसी तरीके से जैसे हमने किया है। आप लोगों ने ये चीजें जो है ये चीज़ें नहीं लिखना है, देख लीजिए इसको नहीं लिखना है, इतना आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये उतार लेने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जैसे कि यहाँ फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है, ठीक है। ये आईडी नंबर जो है ये आपने डाल देना है। आईडी नंबर जो डालोगे वो इसी में से डालोगे जो आईडी नंबर हमने यहाँ डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नंबर आपने डाल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 999 डाला है तो यहाँ पे मैं 888 कर दिया, ठीक है, इसी में से डाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डालना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डालेंगे इक्वल विलकप ब्रैकेट, उसके बाद हमने आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। आईडी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हमने डालना है कॉमा। कॉमा डालने के बाद हमने क्या करना है, ये आईडी नंबर, ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, इनको सिलेक्ट कर लेना है पूरे को यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद डालेंगे कॉमा, फिर डालेंगे यहाँ पे हम दो, उसके बाद डालेंगे हम कॉमा, फिर डालेंगे यहाँ जीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप लोगों ने डालना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। यहाँ देखिए अब 888 में नाम अटूल है, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट और सैलरी ये भी हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे एडिटिंग के अंदर, यहाँ जाएंगे फिल पे और फिर यहाँ पे हमने राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करते हैं, इसका जो है डाटा इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको चेक करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप जैसे मेरे को 222 करके एंटर करना है। यहाँ देखिए अब ये क्या हुआ, ये फाइंड करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जिसका भी डाटा डालोगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। रही बात इस सीट का, तो ये सीट मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप इसको देख के इसमें ही फाइंड करो, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ये सीट का यूज किया जिसमें आपको समझाया, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नवा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।